नमस्कार सभी को। और भैया मैच में तो ऐसा मजा आया कि क्या बताएं, है ना। मतलब कुछ चीजें हुई ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जीत के जश्न में भी झूम जाइए, बाकी बातें तो भूल जाइए। और हमारे लेजेंड के लिए सबसे पहले तो भैया एक लाइक आपकी तरफ से बनता है। हमारे सुनील छेत्री भैया मतलब फ्री किक में गोल मार दिया, हम तो कुछ और ही सोचे थे, उन्होंने तो फ्री किक में ही मार दिया। और उसके बाद हमारे साहल भाई एक आंधी की तरह आए और बस चुटकियों में अपना काम करके चले गए। मतलब एक होता नहीं, एक तूफान सा आया और सब समेट के लेके चला गया। अफगानिस्तान की पूरी उम्मीदें और सब खत्म, तो मजा ही आ गया। और क्या बोले, सबसे पहले तो देखिए अब मैच की थोड़ी सी बातें भी कर ही लेते हैं ना। तो स्टार्टिंग लाइनअप से तो मैं खुश था, क्योंकि देखिए फिजिकल बैटल की बात थी तो जैक्सन भाई का उतरना जरूरी था। जैक्सन भाई जरा थोड़े है ना तगड़े इंसान। और आगे आसिक भाई की जो उम्मीद थी कि आसिक भाई को खेलना चाहिए, आसिक भाई भी थे। और आसिक भाई का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब आसिक भाई को प्लेइंग 11 में खिलाना कितना अच्छी बात होती है, आप भी समझ गए। मतलब क्या मजेदार एक तो गेम भी खेलते हैं और थोड़ी सी उम्मीद जगाते रहते हैं, जब बॉल लेके ड्रिबल वगैरह भी करते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी तो क्या यही सोलो तो नहीं लेके जाने वाले पूरे को घटा के, क्योंकि यार स्पीड उनकी उनकी ड्रिबल है ना, वो क्वालिटी है भाई। और भैया सभी प्लेयर की तारीफ तो भैया सभी की बनती है ना। जीत तो टीम वर्क से हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हो गया कहीं ना कहीं। फ्री किक जो सुनील भैया ने मारी वो टीम ने जीती थी फ्री किक, है ना। फिर उसके बाद जो गोल साहल भाई ने मारा वो भी टीम वर्क के साथ हुआ, इसलिए टीम के सभी प्लेयर ने अच्छा खेला, यही बोलना चाहिए। और देखिए कुछ कुछ गलतियां हैं वो हम बोल सकते हैं, तो कुछ कुछ जो गलतियां भैया वो बड़ी अचूक गलतियां हैं। सबसे पहले तो गोल वाली जो गलती है, आप देखिए मनवीर पाजी ने मैन को, वो जो जुबैर जिन्होंने गोल मारा, मैन छोड़ दिया। तो ये जो मिस्टेक्स होती है, और ऊपर से एक जो पुअर क्लियरेंस जो हुआ था झिंगन पाजी की तरफ से, है ना, मारा किधर गया किधर अंधी। तो ये जो हमारी तरफ से होता ना, और आपने भी देखा होगा कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हुई थी, कुछ अटेम्प्ट हमारे ऊपर कैसे बने थे, एकदम फ्री भैया फ्री अटैकर उनका, हमारे डिफेंडर बिल्कुल पता ही नहीं है उनको कि भैया खाली रह गए एक प्लेयर। तो ऐसी जो गलतियां होती है, अभी जैसे अफगानिस्तान उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई, तो ये हमारी मतलब खुशकिस्मती जो बोलेंगे वो हमारी रही, अगर वो कन्वर्ट कर जाते तो। और एक चीज तो है कि भैया देखो ये अफगानिस्तान के जो कप्तान साहब थे, बड़ा उनको एटीट्यूड और बड़ा होशियारी, ये यहाँ पर हो सकता है मेरी बातें बुरी हो सकती है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो एटीट्यूड है ये वो है ये फलाना ढमका, भैया आप नीदरलैंड में खेले हुए हो बहुत बड़े बड़े क्लब से, तो यहाँ पर ऐसे जब आप एशिया में आए हो खेलने और अफगानिस्तान अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो अनुभव दिखाइए कि आप नीदरलैंड जैसी कंट्री में पीएसवी जैसे क्लब से आप खेल के आते हैं, तो वो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस दिखाइए और वो मतलब कि मेंटेलिटी दिखाइए। ये नहीं कि यहाँ सबसे लड़ते फिर रहे येलो कार्ड, और लास्ट लास्ट में उदंता भाई को मार दिया था, वहां मैं रहता तो रेफरी ना तो चमाट मारता, वो कार्ड वार्ड तो अलग। मतलब यार तुम प्लेयर को ऐसा मार रहे हो, रेफरी ने वो तो कार्ड भी नहीं दिया। तो ऐसी जो बातें यहाँ पे जब आप बड़े क्लब से निकल के आते हैं, तो आपको ये सब चीजें वहां पे दिखाना है अपनी, कि बड़े क्लब में प्रोफेशनलिज्म होता है और ये सब चीजें होती है। तो यहाँ ये फालतू की हरकतें कर रहे हैं, है ना। हमारे प्लेयर को देख लो, हमारे प्लेयर पूरा टीम जो खेलना है वैसा टीम वर्क के साथ खेली और जीत हासिल करी, फिर क्या है। तो ये मेरे दिल में थोड़ी जो बातें आ जाती है वो मैं बोल देता हूँ। और टीम अपनी अच्छा खेली, जैक्सन भाई अपने सूरज भाई जो मिड में उनको जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा जाता है वो उन्होंने दिखाया। हमारे जो एक बात हुई थी ना कि विंग्स हमारे चलना चाहिए, विंग्स काफी चल रहे थे और सही भी चल रहे थे ना, अटैक्स वहां से क्रिएट हो रहे थे जैसे तैसे। लेकिन एक चीज थी शुरू से कि अटेम्प्ट वाली बात जो है, अटेम्प्ट नहीं दिख रहे थे हमको, हमारे अटैक भले बन भी रहे थे लेकिन अटेम्प्ट नहीं आ रहे थे। आपने देखा होगा शुरू के कितने अटेम्प्ट हमारे बने, लेकिन गोलकीपर टेस्ट तो हो ही नहीं पा रहा था। तो ये एक चीज है कि, और जैसे एक भाई वो आसिक भाई ने शूट लिया था, वो तो ऐसा लगा था जैसे एकदम वो जाली फाड़ के निकलेगा बाहर। लेकिन वो बाजू में चला गया, वो तो मेरे को लगा गोल, मैं तो उछल गया था एकदम। तो बड़ा मैच तो ऐसा था कि शुरू का कुछ मिनट और आखिरी का कुछ मिनट, है ना, इसमें था पूरा मैच। बीच का तो ऐसा था कि बस ऐसा बैठे है देख रहे कि भैया किसी का गोल ही हो जाए, किसी का तो हो जाए। लेकिन आखिरी में वो जो आखिरी के जो मिनट्स थे वो थे भैया एकदम शानदार मिनट्स। वहाँ पे एकदम था कि जो दिखाएगा अपना जलवा वही जाएगा आगे।
और भारत ने वो चीज़ बता दी। और देखिए भारत का जीतना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ये जो था ना एक मोड़ था, अगर यहाँ से कुछ भी गड़बड़ होता तो फिर तो कहानी खत्म ना, खत्म, टाटा गुड़बा हो जाता। लेकिन यहाँ पर छेत्री भैया ने जो फ्री किक मारी उसके बाद जो है ना जो जोश आया, फैंस में भी आया होगा, आप भी जब देख रहे होंगे तो आपको भी एकदम उछल गए होंगे आप जब छेत्री भाई ने गोल मारा था। मेरे तो साला रोंगटे खड़े हो गए थे, पूरा बिल्कुल बिजली आ गई थी अंदर कि ये क्या हो गया, ये कौन सा गोल मार दिया। फिर उसके बाद हमने गोल खा लिया, ऐसा गुस्सा आया ना कि ऐसी इच्छा हो रही थी ना मैं क्या बताऊँ, मैं तो तोड़ी दूँ टीवी। लेकिन फिर उसके बाद साहल भाई ने जो अपना दिखा दिया उसमें आसिक भाई और सबका जो थे वहाँ पे सबका वो वर्क था, बस साहल भाई ने वहाँ पे फिनिश दे दिया, वो मज़ेदार काम हो गया। तो भैया अभी तो हीरो बन गए साहल भाई, है ना, क्योंकि साहल भाई ने जो किया है वो कोई छोटा काम नहीं है भैया, क्योंकि इंडिया की उम्मीदें उन्होंने बना के रख दी है। क्योंकि अगर मैच ड्रॉ हो जाता फिर तो खेल सीधे सीधे हांगकांग के हाथ में चले जाता, लेकिन साहल भाई ने वो उम्मीद को बचा लिया, है ना। तो ये इसलिए आज साहल भाई हीरो बन गए। और छेत्री भैया तो नेशनल हीरो पहले से ही है, उनके बारे में क्या बोले, हम कौन होते उनके बारे में बोलने वाले, है ना, उनका तो इतिहास बन चुका है। तो यही थी बातें और मैच की, और क्या बात है, बस जीत का जश्न मनाइए और अगले मैचेस की अब तैयारी करते हैं अपन, है ना। और हमारी जो गलतियां हुई आपको ही पता है, डिफेंसिव मिस्टेक्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें, और कई जगह हमारा ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, मिस पासेस, पोजिशन बहुत ही ईजिली लूज होना, ये सब चीज़ों पर हमको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हांगकांग जो है वो अफगानिस्तान को हरा चुकी है, तो अफगानिस्तान को हरा चुकी मतलब कि हमारे साथ उनका कॉम्पिटिशन रहेगा एकदम तगड़ा, तो वो जरा मैच के लिए हमको और अच्छे से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो ये जो हमने मिस्टेक्स करी ना सिली सिली, ये वो यारा सिली सिली कर देगी फिर मतलब है ना वो पूरा बेड़ा घर पर जाएगा। क्योंकि आप देखिए पुअर क्लियरेंस, मिस पासिस, फालतू वाले मिस पासिस, आपने देखा ना वो जो लास्ट टास्क के टाइम में था जब अफगानिस्तान ने अपने ऊपर प्रेशर बना दिया था, तब आपने देखा था हमारे साइड से गोलकीपिंग साइड से मिस्टेक्स दिखने लग गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि प्रेशर में आके सब, उधर सुनील भैया बोल रहे हैं कि हमको प्रेस करना है, तो उल्ट प्रेस तो छोड़ो, इधर तो गोलकीपर ही मिस्टेक्स करने लग गए थे ना अपने गुरप्रीत पाजी भी। तो ये चीज़ें हैं ना, ये हमको अवॉइड करना। तो चलिए अभी तो हम जीते हैं तो हम पॉजिटिव साइड ही देखेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, अगले मैचेस में हम जीते और बस क्वालिफाई करें भैया, क्वालिफाई इज द मेन गोल बस, है ना। ये गोल वोल तो होते रहेंगे, क्वालिफाई करेंगे वो मेन गोल हो जाएगा। तो चलिए आप बताइए आप कितना खुश है भैया इस मैच से, अपन तो बहुत खुश है, आपको दिख गया होगा, मैं तो बिल्कुल खुश है। अब इंडिया जीती बस, इंडिया जीतना चाहिए, एक गोल से जीते, दो गोल से, दस गोल से, बस जीत यानी जीत। और अभी कैसा खेले वो छोड़ो यार भाई, अभी अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है, हमको एशिया कप में जाना है। अभी आपको पता है अभी अपन रियल मैड्रिड जैसा थोड़ी ना खेलने लग जाएंगे कि एक मैच हमने कंबोडिया के अगेंस्ट ऐसा खेला, अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट बोले हम एकदम रियल मैड्रिड बन जाएं और पूरा एकदम छाती छोल दें साला सबकी, ऐसा नहीं होगा ना, वक्त लगेगा। लेकिन अभी हमारा क्या टारगेट है, हमको एशिया कप क्वालिफाई करना है, तो वो जैसे भी हम कर लें, है ना, बस वो एम है अपना, तो वो हम करें। उसके लिए आप क्या सोचते हैं, आपने अफगानिस्तान इंडिया के मैच में कितना आनंद उठाया, कितना आपके अंदर की जो आग है वो जली, ये सब बताइए आप कमेंट में, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए और बिल्कुल पॉजिटिव ही रहने का, बाबा क्या पॉजिटिव ही रहने का। कई मैं देखा है कि अपने भाई लोग कमेंट भी कर देते कभी कभी, इंडिया तो बेकार हो गई, इंडिया हार जाएगी, नहीं करने का ना यार, अपन अपने देश के लिए नेगेटिव सोचने लग जाएंगे तो फिर क्या है। अरे भैया बिल्कुल बेकार खेले तो भी सोच पॉजिटिव ही रखने का, है ना। तो इसलिए ये बात है क्योंकि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना हमको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अभी पहले से नेगेटिव रहेंगे तो साला फिर तो क्या नेगेटिव ही मिलने का है कि नहीं। तो चलिए आप बताइए आपकी जो भी आपने जो देखा मैच में और आप जो भी कह सकते हैं भैया इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान के बारे में, बिल्कुल कहिए, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।